बिलावल भुट्टो ने जनूबी पंजाब के रहनुमाओं से इजलास के बाद कहा कि आम इंतखाबात की तैयारियां तेज करें, कामयाबी हमारी होगी। मियां साहब की बादशाहत का राज अब नहीं चलेगा। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे आजाद नोहड़ियों से। आजाद बताएगा मजीद क्या कहना था बिलावल भुट्टो का। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत से इस वक्त बिलावला लाहौर में जो है पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का इजलास जारी है, जिसमें मखदूम अहमद महमूद और दीगर पार्टी के रहनुमा शरीक हैं। इस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी की जनब से पार्टी के तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात के हवाले से जो है मुशावरत की जा रही है। इस इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियां करें, आम इंतखाबात में कामयाबी उनकी पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है शरीफ खानदान को भी जो आड़े हाथ लिया, उनका कहना था कि मियां साहब के बादशाहत का राज खत्म हो जाएगा और पीपल्स पार्टी इक्तदार में आकर नेशनल एक्शन प्लान पर पूरे मुल्क में अमल दरामद कराएगी। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया, लेकिन वफाकी हुकूमत ने दीगर सूबों में अमल दरामद नहीं कराया, जिसके बायस दहशतगर्दी के वाक़ जो है रोनमा हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि नवाज सरकार ने बैरूनी मुल्क से इमदाद हासिल की, लेकिन उसके बावजूद जो कर्ज लिए गए उन पर रकम खर्च नहीं की गई, सारी रकम जो है करप्शन के लिहाज लूटी गई, लेकिन मुल्क की तरक्की न होने के बाद आज पूरा मुल्क जो है इंतजार का शिकार है।